सिटी न्यूज बुलेटिन के इस स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9096846111। राजू, जैसे पहले बात चल रही थी कि आपने इस लाइन, इस फिल्म क्षेत्र में किस लाइन में जाना है, या आपने चुने, लोग हीरो की तरफ जाते हैं, कोई गायक की तरफ जाता, कोई संगीतकार की तरफ जाता, कोई प्रोड्यूसर की तरफ, आपने पीआरओ की लाइन, एक डिफरेंट लाइन चुनी, क्यों चुनी? आपने बता दिया कि उसका सारा आपने माहौल देखा, अब इसमें पहला ब्रेकअप आपको कहां से मिला, क्या संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो चंद्र भाई मुझे बहुत करना पड़ा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ प्रदीप बांदेकर का, इंद्रजीत औरंगाबादकर का, ये वो फोटोग्राफर है जो उस जमाने में बड़े दिग्गज नाम होते थे, और मुझ जैसे न्यू कमर को उस जमाने में इन लोगों ने बहुत हेल्प की। और मुझे उस टाइम पे किसी का असिस्टेंट बनना था, तो मैं पाठक साहब के पास में गया था उस टाइम पे ट्रेनिंग लेने के लिए, उनका असिस्टेंट बनने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए। तो गोपाल साहब ने तो बोल दिया कि मैं असिस्टेंट नहीं रखता, वो धर्मेंद्र, जितेंद्र और बड़े स्टारों के पीआरओ थे, और फिर दूसरा नाम बचता था मिस्टर आरआर पाठक का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मेरे ऑफिस में रंजीत स्टूडियो में आ जाना, मैं तेरे से मिल लूंगा। मैं 10 बजे गया और रात के 10 बजे तक के उन्होंने मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं दिए, बैठा के रखा। बंबई की जो स्टाइल रहती है वो, यस। तो मुझे भूख भी लगी थी और मैं परेशान भी हो गया था। फिर मैं पाठक साहब को बोलने गया कि पाठक साहब, मैं सुबह से बैठा हुआ हूं और आप मुझे, तो उन्होंने मुझे गंदी सी गाली दी और जूता निकाल के फेंक के मारा कि साले मैं क्या तेरा नौकर बैठा हूं, निकल यहां से, ये बोल के उन्होंने जूता मारा। तो वो जो जूता उन्होंने मारा, वो जूता लेके मैं भाग गया, और जाते जाते बोल के गया कि पाठक साहब, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि इसी जूते से मैं तुमको मारूंगा। मैंने प्रैक्टिकली उस जूते से नहीं मारा, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि इनको एहसास करा दूंगा कि किसी का अपमान करना कितनी बुरी बात होती है। उस जमाने में गोपाल पांडे और आर आर पाठक जो दूसरे पीआर होते थे, वो 50,000 यानी 25 के ऊपर ही प्राइस लेते थे एज ए पीआर। तो जब मैं क्या कहते हैं एस खान का असिस्टेंट बन गया, एस खान भी पीआर होते, और पहला ब्रेक आपको एस खान ने दिया। हाँ, असिस्टेंट का ब्रेक मुझे एस खान ने दिया, और एस खान ने मेरी काबिलियत देख के फिर वो राइटर बन गए। अक्षय कुमार की जो पिक्चर आई थी खिलाड़ी, उसमें वो राइटर थे। अब बात अक्षय कुमार की आती है, तो अक्षय कुमार जब हांगकांग से लौट के बॉलीवुड में आए थे, तो उनकी बहन मेरे घर पे, यानी अक्षय का घर मेरे घर के सामने ही था, और उनकी बहन मेरे घर के ऊपर रहा करती थी। तो अक्षय का मेरे बिल्डिंग में आना जाना होता था, और उनको पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी उनकी दोस्ती हो गई। तो अक्षय का नाम भी राजू ही है, मेरा नाम भी राजू ही है। तो उस टाइम पे उनको पहली फिल्म मिली थी केशुराम से की, तो उसमें वो हीरो बन गए। वो इंडस्ट्री के जैसे कि मिथुन दा या गोविंदा बहुत अच्छे डांसर है, तो अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे पहले जूडो कराटे के एक्सपर्ट है, और उसके पहले मिथुन भी थे ना? नहीं, पर उतना नहीं था जितना अक्षय के ट्रेनिंग देता था। अच्छा, अक्षय ट्रेनिंग देता था, मिथुन ट्रेनिंग नहीं देते थे। अच्छा, मिथुन दा की भी मैंने तकरीबन, आप बोल सकते कि मैंने 30, हाँ ये मैं बता देना चाहता हूं कि उस जमाने के जितने भी बड़े स्टार है, जितेंद्र हो गए, धर्मेंद्र हो गए, और क्या कहते हैं गोविंदा हो गए, और नाना पाटेकर हो गए, अक्षय हो गए, अजय देवगन, यानी जितने भी बड़े नाम है, XYZ, मैंने आज जो बॉलीवुड में जो जीवित कलाकार है, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिनके साथ में मैंने काम नहीं किया होगा। मुझे एक क्रेडिट और मिलती है कि मैंने राज कपूर के 3 जनरेशन के साथ में काम किया है। मैंने राम तेरी गंगा मैली में एज ए आर्टिस्ट काम किया था। राम तेरी गंगा मैली थे? जी हाँ, मैं उसमें जूनियर आर्टिस्ट था। क्या रोल था? जूनियर आर्टिस्ट एक्स्ट्रा में। अच्छा, वो जो गाना आता है ना, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, तो वहां पे खंभे के पास में, मैं अभी भी देखोगे तो मैं दुबला पतला सा गुड लुकिंग सा लड़का मैं ही हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको। तो वहां मेरी पहचान मंदाकिनी से हो गई, वहां मेरी पहचान रजा मुराद से हो गई, वहां मेरी पहचान उनके असिस्टेंट जो थे कुकू कोहली इनसे हो गई। मुझे काम करने में कम और रिलेशन बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट था।
क्योंकि मैं रिलेशन को मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट मानता आपका था। जो आपने लाइन फिनिश किया और रिलेशन का ही काम था। यस अब तो वो जरूरी है, वो ट्रेनिंग ही थी आपके हुई। अब जब मेरी वहां से कुकू कोहली से जो पहचान हुई, जो राज कपूर के असिस्टेंट थे, आगे चल के कुकू कोहली ने ही अजय देवगन को पहली फिल्म में साइन किया फोलर काटे में, जो अभी अरुणा रैने के वो हस्बैंड है, राइट। रजा मुराद के साथ में तो मैंने तो 100 के ऊपर ज्यादा एज ए पी आर ओ काम कर लिया है, और रजा मुराद साहब से मेरी 35 साल से, अरुणा रैने से 35 साल से फैमिली रिलेशन है, वन कॉल अभी जो बोलते हैं वो है। उसके बाद में एक नई पौध आई, एक नई जनरेशन आई, जैसे अजय देवगन है, अक्षय है, ये लोग आए। तो मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन के रखा था कि हमेशा बच्चों का साथ दो, जो बड़े होके आपकी इज्जत करें। धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, नो डाउट ये बहुत सीनियर थे, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर सेकंड लाइन के जो हीरो थे, सेकंड लाइन के जो थे, उनके साथ में सेटल करना था। ये तो ऑलरेडी सेटल लोग होंगे, इनके साथ में तो आपको चांस, इनके साथ में मुझे चांस भी ज्यादा करना नहीं, था। मुझे फिरोज खान के साथ में चांस मिला, मुझे धर्म जी के साथ में चांस मिला, जितेंद्र के साथ में तो मैंने 16-17 फिल्में की है, जिनका साथ में मैं फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए मरता था, जिनका मैं डाई हार्ट फैन था। आपको सुन के जान के ताज्जुब होगी कि इनकी जो बालाजी टेली फिल्म है एकता की, उसको लॉन्च करने का क्रेडिट मुझे ही जाता है। बधाई हो, बालाजी टेली फिल्म का पहला पीआरओ मैं हूँ। एकता ने मुझे बोला था कि राजू अंकल, जब तक के बालाजी, बालाजी का बड़ा ब्रेकअप था आपका, कि उससे पहले भी बड़ी कोई फिल्म और बड़ा कोई हीरो का किया आपने? नहीं, बालाजी टेली फिल्म सीरियल में सबसे पहले बड़ा ब्रेक। अच्छा, हाँ। उसके बाद में सीरियल में भी आपने पीआरओ काम किया? बिल्कुल किया, देश में निकला होगा चांद, अरुणा रैना ने बनाई थी, रविना टंडन ने सीरियल बनाई थी, शत्रुघ्न सिन्हा ने सीरियल बनाई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं इंडस्ट्री का इकलौता एक पीआरओ था कि जो अनपढ़ था, लेकिन रिलेशन के आधार पे नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने सुन रखा था कि अकबर बादशाह भी अनपढ़ थे, लेकिन उसने 9 मास्टरमाइंड अपने दरबार में रखे थे और उनको नवरत्न का दर्जा दिया था। तो मैं तो जैसा मैं पहले बोल चुका, मुझे गुजराती के सिवा कुछ नहीं आता था। तो एक रमेश जवेरी करके जर्नलिस्ट थे गुजरात समाचार में, मैं उनको गुजराती में बोलता था और बोलता था कि गुजराती लिखो और इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दो। जब हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता था तो मायापुर के जो उस टाइम पे बॉम्बे का जो संभालते थे मिस्टर जेडी जोहर, उनको बोलता था कि हिंदी में कर दो। जब वो हिंदी में कर देते थे तो ज्योति वेंकटेश इंग्लिश के जर्नलिस्ट है, उनको बोलता था कि इंग्लिश में कर दो। तो क्या होता था कि मैं हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता था और फोटोग्राफ खींच लेता था, और सारे पब्लिकेशन में मैंने फ्री में सबके इंटरव्यू ऑन लोकेशन राइटअप भेजना शुरू कर दिया, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेजा मैंने। उस जमाने में डिस्पे जाया करते थे, फैक्स नहीं था, मेल कुछ नहीं था, ऑफिस में फीमेल नहीं थी, हार्ड वर्क था। उस टाइम पे मैं 18 घंटे ड्यूटी करता था, लेकिन मुझे सही चांस मिला 88 में। कौन से फिल्म से? 88 में फिल्म से नहीं मिला कि 88 में दिसंबर महीने में टोटल 120 फिल्मों के मुहूर्त थे एक ही महीने में, एक महीने में, जिसमें से मैंने 20 फिल्मों के मुहूर्त कर लिए थे, जिसमें से मैंने 20 फिल्मों के दिसंबर में, दिसंबर 88 की बात कर रहा हूं, एक दिन की बात कर रहा हूं, और महीने में 1 से लेकर 30 तक के मैंने 16 फिल्मों के मुहूर्त कर लिए थे, और 30 दिसंबर को एक दिन में 15 फिल्म के मुहूर्त थे, हालांकि टोटल मुहूर्त थे 16। दिसंबर 88 को टोटल 16 मुहूर्त थे, 16 मुहूर्त जो था पाठक साहब का था, आरएफ पाठक का, और उनका मुहूर्त था मेगुल स्टूडियो में, और फिल्म का नाम था सिपाही, जिसमें जितेंद्र, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र थे। जितेंद्र, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र थे, और उस टाइम पे मैंने 30 टैक्सी बुक करके रखी हुई थी, और एक सारा टैक्सी में फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, खाने पीने के और बियर विस्की से गाड़ी में फुल रखे हुए थे, और इंडस्ट्री में सबसे पहला कन्विंस देने वाला पीआरओ में, क्योंकि जो भी जर्नलिस्ट आता है वो बेचारा अपने घर से रिक्शा में बोलो कि ट्रेन में बोलो कि बस में बोलो आता है, वापस जाता है, फिर प्रेस में जाता है, हमारा राइटअप सबमिट करता है,
तो उनका जो खर्चा जाता है, एटलीस्ट उनका खर्चा उतना तो लेने के वो हकदार है, तो एक्स वाई जेड पेमेंट मैं उनको दे दिया करता था। तो लोगों को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि कोई ऐसा पीआरओ है जो जो जर्नलिस्टों की ध्यान रिस्पेक्ट रखता करता है। है, रिस्पेक्ट करता है। और उसके बाद में मीडिया तो मेरे साथ में इतनी फ्रेंडली हो गई कि मैं 10 को बोला तो 50 हाजिर हो जाते थे। और मेरी मीडिया की इतनी भीड़ देख के हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो इंप्रेस हो जाता। और जैसा जैसा मैं तरक्की करते गया, तो जो पहली पिक्चर मैंने 5,000 में की थी, 5,000 से मैं सीधा 25,000 पे गया, 25 से 51 पे आया, 51 से 1 लाख पे आया, 1 लाख से 2.5 लाख पे आया। फिरोज खान की पिक्चर थी जानशी, नाम लेके बात कर रहा हूं, मुझे जानशी के लिए फिरोज खान ने बुलाया, नहीं प्रेम अगन के लिए, उनके बेटे को लॉन्च करना था फरदीन को, तो मुझे बुलाया। फिर उनकी पिक्चर की, जब उनकी पिक्चर जानशी हो रही थी, तो राजू मैं तुझे अपने पिक्चर का पीआरओ रख रहा हूं, एंड यू आर द हाईएस्ट पेड पीआरओ इन बॉलीवुड, आई विल गिव 5 लाख्स। मैंने कहा खान साहब इफ यू डोंट माइंड, ये मेरी प्राइस नहीं है। व्हाट द फकर, व्हाट आर यू टॉकिंग, वो तो अंग्रेज थे ना। मैंने कहा हाँ सर, मैंने आई बाय देखा, देखा वहां कुछ ट्रेड पेपर लगे हुए थे, उसमें से मैंने ट्रेड गाइड निकाली जिसमें मेरी न्यूज छपी थी कि कांटे फिल्म के लिए, जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी कांटे, वो मैंने 11 लाख में की थी। तो उनको खोल के दिखाया मैंने, उसमें लिखा था हाईएस्ट पेड पीआरओ इन बॉलीवुड राजू का है 11 लाख में, न्यूज थी वो। तो जो पीआरओशिप 50,000 से शुरू हुई थी, 11 लाख तक। वो 11 लाख तक के पहुंचने वाला पहला पीआरओ में, तो फिरोज खान वॉज अ वेरी इंप्रेस। तो उसके बाद में फिरोज खान ने सारी फिल्में मुझे देना शुरू कर दी। उसके बाद तो मैंने फिर कभी पलट के देखा नहीं। फिर अक्षय आए, अजय देवगन आए, संजय आए, गोविंदा आए, आए आए आए, तो ये मेरे स्ट्रगल पीरियड के कुल मिला दोस्त के फिल्म इंडस्ट्री ने आपको बहुत कुछ दिया। थे, ये सब मेरे दोस्त थे। तो पूछते थे कि भाई हुज द योर पीआरओ, बोलते अभी नहीं, कहते एक काम करो, ये नंबर है राजू कार्या को बुला लो, और बॉलीवुड में सबसे पहला मोबाइल लेने वाला, पहला पीआरओ प्यारो में 1986 में मैंने मोबाइल, उस जमाने में मैंने 50,000 का लिया था, और उस टाइम पे इनकमिंग आउट गोइंग 25 रुपये हुआ करती थी, और मेरा पहले महीने का बिल 51,000 आया था, मोटोरोला हुआ करता था पहला मोबाइल। 1996 में आया था। हाँ, तो मोटोरोला होता था हाँ, जो बड़ा हम लोग लेकर घूमते मारो तो खुद निकल जाए। थे, यस, एक किलो का होता था। हाँ तो न्यूज छपी थी कि फर्स्ट मोबाइल पीआरओ इन बॉलीवुड। तो उसके बाद में चंदू भाई मैंने कभी पलट के देखा नहीं। उसके बाद में मैंने बच्चन साहब की कई फिल्में की, अजय देवगन की। फिर उसके बाद में जब मेरे लोगों में पहचान हो गई, अच्छे रेपुटेशन हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, फिर मैंने सेक्रेटरीशिप शुरू किया। मैं सबसे पहले, मुझे सेक्रेटरी बनाया रोनित रॉय ने। रोनित रॉय इज जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर, मेरा रोनित का आज भी घरेलू संबंध है। उसके बाद में आफ्ताब सिद्धसरन ने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया, महिमा चौधरी ने अपना सेक्रेटरी बनाया, आशुतोष राणा ने बनाया, सोनू निगम ने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया। मामा बोलता है आपको। मामा बोलता नहीं, मामा ही मांगता है, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अमरावती में उसको मैं ही लाया था जब कैंसर हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ था, और उसके लिए सोनू निगम नाइट हुई थी। तो उस टाइम पे हमारे एक करीबी है, उन्होंने बताया था कि 1,40,00,000 का उस टाइम पे फंडिंग जमा हुआ था, और सोनू ने बोला था भले मैं फिल्म है यहाँ पे, कि इससे अच्छा शो मेरा कहीं हुआ नहीं है, क्योंकि लाइट सारी ऑफ कर दी थी और सब लोगों ने अपने मोबाइल मोबाइल लाइट किए थे, और क्रेन शॉट दिखाते थे तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से सारे सितारे नीचे उतर आए। तो चंदू भाई मैं शुक्रगुजार हूं इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों का, डायरेक्टरों का, स्टारों का, और सबसे ज्यादा मीडिया का। मीडिया इज माई गॉड फादर। अगर मीडिया मुझे सपोर्ट नहीं करती, मीडिया मेरा साथ नहीं देती, तो मैं पीआरओ नहीं बनता। और मैं इंडस्ट्री का पहला पीआरओ हूं जिसको के ए नारायण साहब स्वर्गीय राष्ट्रपति जी ने मुझे अवार्ड दिया, सुमित्रा महाजन जी ने मुझे अवार्ड दिया, कानून मंत्री राम जेठमलानी साहब ने मुझे अवार्ड दिया, देन उसके बाद में आठवले साहब ने मुझे अवार्ड दिया, और अब 17 तारीख को, मुझे 17 जनवरी को 17 जनवरी को मुंबई के अंदर मेरे 50 साल पूरे होने की खुशी में नाना नानी फाउंडेशन और फिल्म स्टूडियो मैगजीन के जो ओनर है श्याम भाई सिंघानिया और राजेश श्रीवास्तव, ये दोनों मिलके मेरा सत्कार कर रहे हैं,
और मैं यहां से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है रवि राणा जी से और नवनीत जी से कि आप आइए और मुझे अवार्ड दीजिए। और आपको सुन के जान के ताज्जुब होगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं बता रहा हूं कि नवनीत जी ने हिंदी में एक ही फिल्म की है और उस फिल्म का पीआरओ मैं ही था। चलो वो भी अच्छा है, और हाँ उनके हाथ से आपको अवार्ड अब मिल रहा है, आप हाँ, ताजा कैसे हो। तो मैंने जब उनसे मिला तो मेरी एक एक ख्वाहिश थी कि अगर इन द फ्यूचर मुझे कभी कोई अवार्ड मिले तो मैं इस कपल से अवार्ड लूंगा। और ये जो हस्बैंड वाइफ है राणा जी और रणजीत जी, इतने सच्चे स्वीट लोग हैं कि नेक्स्ट डोर वाले जो अपने रिलेटिव होते हैं ना, जो काम रिश्तेदारों ने नहीं किया, जो रिश्तेदार नहीं सोचते, जो रिश्तेदार नहीं करते हैं, मुझे फक्र है कि मेरे शहर में ऐसे लोग हैं। वो एमपी है, एमएलए है, अलग बात है, शहर के अपने अपने नजदीक के करीब ही मेरे है, बहुत करीब है कि जहां वो रहते हैं मैं उनके उनके सामने बगल में आते। रहता हूं, मैं उनके बगल में रहता हूं, और जब भी उनके यहाँ जाता हूं, रवि भाई भाई के जैसा मानते हैं, समझे। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि अभी पिछले 8 महीने पहले मेरा पैर कट गया है, तो अभी 13 तारीख को वो मुझे एक कानेटिक दे रहे हैं जो हैंडीकैप के लिए होती है। तो मैं उसको इसलिए नहीं ले रहा हूं कि स्कूटर है, मैं ये समझ के ले रहा हूं कि मुझे राणा परिवार की तरफ से एक प्रसाद मिल रहा है, और वो प्रसाद लेके ही मैं फिर बॉम्बे जाने वाला हूं। जी। अब आगे का कुछ और पूछे। अभी आपके जैसे 8 महीने पहले आपको पैर काटना पड़ा, उससे आपके इस पीआरओ शिप में क्या फर्क पड़ेगा? अभी अभी कर रहे हो आप, नहीं कर रहे नहीं, हो? मुझे एक बात बताइए, अब ये सवाल मेरा आपसे है, अभी तक आपने सवाल किया, मैं सवाल करता हूं। जून महीने में बारिश आती है, नहीं बरसात के मौसम में बारिश आती है, तो क्या वो लौट के नहीं आती है? तो अभी आप लौट के टोटल आती है कि नहीं आती है आती? ना, आती है तो ना, बस वो मैं हूं, बारिश रुकी है, बंद नहीं हुई है, चल रही है। चल रही है। अभी मैं फिर से 17 तारीख, अभी 13 तारीख को वहां जाऊंगा, और यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं बोल रहा हूं कि 29 तारीख को यूपी में बनारस में मेरे अपने इवेंट कंपनी की ओपनिंग है, उसके बाद में मैं दिल्ली में ओपनिंग कर रहा हूं, उसके बाद में मैं पुणे में ओपनिंग कर यानी रहा पैर हूं। का कहीं आपको फर्क नहीं पड़ा उसका वजह यह है कि काम मुझे अपने दिमाग से करना पड़ रहा है, हाथों पैर से से? करना पड़ रहा है। मुझे एक दोस्त ने बोल रहा है, वो सुनेगा तो वो भी हंसेगा कि राजू तेरी जबान बहुत चापटर है तो जबान पे खा रहा है। तो नहीं तो मैंने पीआरओ का है तो जो आपकी जबान और बस आपका व्यवहार इस पे ही बस, आपका पूरा टिका हुआ है। तो इस व्यवहार की वजह से आज 50 साल एक फील्ड में गुडविल बनाना और 50 साल टिके रहना, चंदू बाबू नॉट ए जोक। और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे आर्टिस्टों का, मेरे प्रोड्यूसरों का, डायरेक्टर का, जैसे मैंने पहले कहा कि मीडिया का, मीडिया ना होती तो मैं ना होता। और एक आखिरी लाइन बोल रहा हूं इंग्लिश में है, इफ प्रेस इज विथ मी, इफ प्रेस विथ मी अमिताभ इम्प्रेस, अदरवाइज राजू का रेडी प्रेस। बहुत बहुत चलो, आपका आने वाले 17 तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमरावती का नाम आपने खूब रोशन किया, इसके लिए भी आपको आपका बहुत बहुत आभार कि अमरावती के नाम को भी आपने ऊपर तक पहुंचाया। अमरावती से जाकर आदमी अपने पैसे पूरे घमा कर सब करके आज इतनी स्ट्रगल स्थिति में आज आपको उन चीजों का आपके चेहरे पर कहीं शिकन नजर नहीं आ रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमरावती की तरफ से भी, और इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र बाबू।